हेलो गाइस, देखिए भी हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में जो हम डील कर रहे थे वो किसके साथ डील कर रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ हम डील कर रहे थे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन मैथमेटिकली हमने देख लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो सबसे पहले फैक्टर जो हम डील करेंगे वो डील करेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखिए कैसे आपकी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। कोई भी एक रिएक्शन है, ए कोई रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है बी। इनिशियली टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इसकी कंसेंट्रेशन थी ए नॉट। आफ्टर टाइम टी ए नॉट में से कुछ आपका कन्वर्ट हो गया होगा किसमें, बी में। कुछ ए आपका कन्वर्ट हो गया होगा बी में। सो जैसे जैसे आपका टाइम प्रोसीड करेगा, ए की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, बी की इंक्रीज करेगी। ये चीज़ हमें बड़ी क्लियरली पता है। अब देखिए हम इसी यूनिट में आगे चल के कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, वो थ्योरी बोलती है रिएक्टेंट के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, और उस कोलिजन, उस इफेक्टिव कोलिजन्स की वजह से आपकी रिएक्शन होती है। रिएक्टेंट किसमें होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतनी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हाई रहेगी। अब कोलिजन कब ज़्यादा रहेंगे, जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे, जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स आपके क्या रहेंगे, ज़्यादा। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो ए की तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे, डिक्रीज। सो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगी, डिक्रीज। तो इनिशियली हाईएस्ट मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहेगी रिएक्टेंट की, तो रेट भी क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, रिएक्शन रेट कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी ए की या रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। सो इफेक्टिव कोलिजन भी डिक्रीज करेगा और आपका रेट भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये चीज़ इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरा जो आपका फैक्टर आएगा वो फैक्टर होगा टेम्परेचर। देखिए भी टेम्परेचर के अंदर हमें पता है मॉलिक्यूल्स के पास क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। जब मैं टेम्परेचर राइज करूंगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। सो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज। और नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ज़्यादा किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। इफेक्टिव कोलिजन्स ज़्यादा होंगे, आपका जो प्रोडक्ट जो रिएक्शन का रेट रहेगा वो क्या रहेगा, हाई। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ क्या, रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज करेगा। अगर कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉरवर्ड होगा किसी भी रिएक्शन में, ये चीज़ तो माइंड में सेट कर लो। कोई भी रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो 101% आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी ही करेगी। तो थर्ड फैक्टर की बात करते हैं हम, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
देखिए कोई भी रिएक्शन होती है वो क्यों होती है, फिजिबल है क्यों होती है, बिकॉज स्टेबिलिटी गेन करनी है। सपोज करो ये आपका ए था, ये बी के साथ कंबाइन होके इसने बना दिया सी। तो ए के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कोई बॉन्ड होंगे। बी के पार्टिकल्स में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कोई बॉन्ड होंगे, ठीक है। कोई भी आपका बॉन्ड होगा या कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी ए बी के साथ कंबाइन होके सी बना रहे हैं, तो उसका मतलब है आपके ओल्ड जो बॉन्ड्स हैं वो क्या हो रहे होंगे, ब्रेक हो रहे होंगे, और न्यू जो बॉन्ड्स हैं वो आपके फॉर्म हो रहे होंगे। रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, आपके ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे और न्यू आपके बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होंगे। अगर आपकी रिएक्शन में जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है, जो बनने वाले जो बॉन्ड हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, किससे, वीक बॉन्ड, जो आपके टूटने वाले बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड हैं, अगर उनसे बनने वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी हर कोई चाहता है, लाइफ में भी, मॉलिक्यूल्स भी, रिएक्शन में भी, ठीक है। स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी, कोई भी मॉलिक्यूल, एलिमेंट, एटम है वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबिलिटी आएगी तो रिएक्शन का रेट क्या करेगा, इंक्रीज। सो ऐसी आपकी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स वीक होंगे, बनने वाले बॉन्ड्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, उन रिएक्शन का रेट क्या मिलेगा आपका, हाई। और ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर जो आपके कंपेरेबल बॉन्ड्स होंगे तो जनरली मॉडरेट होती हैं वो रिएक्शन, और जिनके आपके बनने वाले बॉन्ड्स वीक होंगे, जो आपको ब्रेक करने, जो आपके ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो रिएक्शन तो बहुत ही आपकी स्लो प्रोसीड करेंगी, वो क्या करेंगी, बहुत ही स्लो। तो अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आपका फोर्थ फैक्टर पढ़ेंगे, जो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले कैटलिस्ट क्या होता है, क्या होता है, सब्सटेंस विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग इट्सेल्फ इन एनी केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे और जो खुद किसी भी केमिकल रिएक्शन में अंडरगो नहीं करेंगे, टेक पार्ट नहीं करेंगे, वो क्या होते हैं, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जनरली क्या करते हैं आपके, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है ये टर्म सभी आप लोगों को नहीं पता, हम डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अभी फैक्टर्स जनरली डील कर रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं जस्ट आपको। तो आपका कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। आगे जाके हम इनहिबिटर्स भी पढ़ेंगे जो डिक्रीज भी करते हैं, वो सब बाद की बातें हैं जो हम डिटेल में डील करेंगे। तो फिफ्थ फैक्टर है वो आपका क्या है, सरफेस एरिया। ऐसी रिएक्शन जो सॉलिड के अंदर हो रही है, किसके अंदर हो रही है, सॉलिड के अंदर, अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो वहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। वो रिएक्शन जो आपकी सॉलिड के सरफेस पे हो रही हैं, अगर वहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, इंक्रीज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अभी आपका सिक्स्थ फैक्टर की हम बात करते हैं, रेडिएशंस की बात करते हैं, एक्सपोजर टू रेडिएशंस। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होती हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बहुत फास्ट होती हैं, डार्क के अंदर बहुत स्लो प्रोसेस होती हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका रहेगा कुछ रिएक्शंस का, किस पे डिपेंड करेगा, रेडिएशन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। जितनी ज़्यादा रेडिएशन आप डालोगे,
रेडिएशन में क्या, बेसिकली सनलाइट, आपकी सनलाइट क्या एक एनर्जी की फॉर्म है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स से फैक्टर थे जिनके साथ आपको डिटेल में डील करना है, और हम डील करते हैं एक एक के साथ। तो हमें जो अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मैथमेटिकली कैसे हम उस इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपका फर्स्ट फैक्टर था ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए आपका इस चीज को मैथमेटिकली करने के लिए दो लॉ आए। सबसे पहले आपका फर्स्ट लॉ आया लॉ ऑफ मास एक्शन। अपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, पढ़ा था जी, बिल्कुल पढ़ा था। क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट। क्या बोल रहे हैं लो देखो, जो आपने 11th में भी पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, ये सपोज करो कोई भी आपकी एक रिएक्शन है, ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी। तो ये बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपकी, इसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। चलो एक ही लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करते, बाद में डील करेंगे दो के साथ। रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट। रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट। देखो भाई, जब ये आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट आएगा के ए रेज टू पावर ए। ये जो कांस्टेंट है के, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट, या इसको बोला जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसको एक और नाम दिया जाता है स्पेसिफिक रेट। क्या नाम दिया जाता है? स्पेसिफिक रेट। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। होता क्या है, देखिए भाई, रेट जो है आपका, रेट किसके इक्वल आ गया, के ए रेज टू पावर ए। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, देन रेट बिकम्स इक्वल टू के। रेट किसके इक्वल आ गया, के। तो हम स्पेसिफिक रेट को या रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of each reacting species is 1, या फिर unity is 1, और हम क्या लिख सकते हैं, यूनिटी। रेट कांस्टेंट बेसिकली क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है जब आपके जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज है सभी की कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर या यूनिटी। तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक रेट। इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए रेट की यूनिट क्या थी, यूनिट ऑफ रेट क्या थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ के डिपेंड करेगी किस पे, ऑर्डर पे जो हम आगे डील करेंगे, जो हम आगे क्या करेंगे, डील करने वाले हैं। तो ये था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। सपोज करो आपके पास ये गिवन है 2a + 3b gives c। तो
इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वो किसके इक्वल होगा, के कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर टू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर थ्री। ये कौन बोलता है, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो आपका है ये थ्योरेटिकली लॉ है, कैसा है थ्योरेटिकल लॉ। इसके लिए अभी आपका दूसरा लॉ आएगा रेट लॉ, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपका क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू दिस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ पे आपके पास ये रिएक्शन है ए ए बी बी गिव सी सी। देखिए यहाँ पे आपने लिखा था, ये भी आपको कहाँ गया ये, यहाँ पे आपने लिखा था, ये चीज़ लिखी थी कंसंट्रेशन रेज टू पावर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट लॉ बोल रहा है जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। लेकिन जो इनकी पावर रहेगी अल्फा एंड बीटा हमने कंसिडर किया, जो पावर रहेगी अल्फा एंड बीटा वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये चीज़ कोई कंपल्शन नहीं है कि वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल आपकी होगी। हम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ आपकी एक्सपेरिमेंटली निकल के आएगी। सो अपनी प्रोपोर्शनलिटी साइन जब यहाँ से हटाओगे तो आपका कांस्टेंट आएगा के, वही आपका स्पेसिफिक रेट, या फिर हम इसको बोलेंगे क्या, रेट कांस्टेंट। वेयर अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा जो है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली तो ये आपकी क्या रहेगी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेगी। अल्फा एंड बीटा क्या है, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली अल्फा और बीटा क्या आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वही सेम केस आपका रेट, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए बी वन पुट करते हो, बी बी वन पुट करते हो तो के क्या आ जाएगा आपका रेट के इक्वल। तो यहाँ से ही आपके रेट कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन क्या आएगी, सेम रेट कांस्टेंट क्या है आपका, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग
स्पीसीज इज वन इज यूनिटी। तो यहाँ पे आके आपका रेट लो जो है वो ख़त्म होता है। हम इसको डिटेल में अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड सब कुछ हमें डिटेल में डील करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई डाउट हो तो हम डिस्कस कर लेंगे।